तो ये है एक Xbox Series S एंड ये नेक्स्ट जेन कॉन्सोल्स में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में लोगों के दो ही ओपिनियंस हैं, कुछ लोगों को ये लगता है अंडर रेटेड एंड कुछ लोगों को लगता है ये अंडर पावर्ड। अब मेरे पास ये कॉन्सोल पिछले 3 साल से है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे Xbox Series S के बारे में क्या पसंद है, क्या नापसंद है एंड क्या ये आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। ऑल्सो हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या GTA 6 Xbox Series S पे चलेगी या नहीं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज की वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द गेम कीज डॉट इन एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, क्योंकि उनकी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो गेम पास अल्टीमेट फॉर द चीपेस्ट प्राइस एवर। नो किडिंग गाइस, उनके पास है 1, 3, 5, 10 एंड 18 मंथ्स तक के गेम पास अल्टीमेट के इंडियन कोड्स जो आप अपने खुद के अकाउंट में रिडीम कर सकते हो। ऑल्सो आपको मिलेगा 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ माई कोड जो है Rana5 टू बाय 5 मंथ्स, 10 मंथ्स और 18 मंथ्स प्लान। एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको, इनका 18 मंथ का जो प्लान है वो है फॉर 4,999 रुपीज़, जो विद माई डिस्काउंट कोड पड़ेगा आपको 4,750 रुपीज़ का। सो पर मंथ 263 रुपीज़ आएगा कॉस्ट एंड ये प्राइस बाकी वेबसाइट्स एंड एक्सबॉक्स स्टोर दोनों से काफ़ी कम है एंड आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनमें से कोई भी यूज़ करके इसे बाय कर सकते हो। द गेम कीज डॉट इन की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो डू चेक इट आउट। सो अब बात करते हैं सीरीज एस के उन एस्पेक्ट्स के बारे में जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। नंबर 1, FPS बूस्ट। सो सीरीज एस का एक काफ़ी अमेजिंग एक्सक्लूसिव फीचर है जिसकी हेल्प से वो कुछ गेम्स के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है फ्रॉम 30 FPS टू 60 FPS एंड इन सम गेम्स अप टू 120 FPS विदाउट एनी अपडेट फ्रॉम द गेम डेवलपर। इसके लिए आपको सिंपली FPS बूस्ट फीचर को ऑन करना होगा उस गेम के मैनेज गेम सेक्शन में जाके। ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर था मेरे लिए क्योंकि मैंने Far Cry न्यू डॉन, Far Cry 4 एंड 5, शैडो ऑफ द टोम रेडर जैसे अमेजिंग टाइटल्स खेले हैं 60 FPS में ऑन माई सीरीज एस, जबकि इनके लिए कभी 60 FPS अपडेट आया ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम Far Cry 5 उसके लिए 60 FPS सपोर्ट ऑन कॉन्सोल्स आ गया अब, बट Far Cry न्यू डॉन एंड ऐसे काफ़ी सारे टाइटल्स हैं जो PS5 पे भी अभी 30 FPS पे ही चलते हैं लेकिन सीरीज एस पे विद FPS बूस्ट 60 FPS पे चलते हैं। FPS बूस्ट कौन सी गेम्स को सपोर्ट करता है ये देखने के लिए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2, क्विक रिज्यूम। ओके, सो ये फीचर एक्सट्रीम गेमर्स को बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि क्विक रिज्यूम में आप अप टू 4 गेम्स इन मेमोरी रख सकते हो एंड उन 4 में से किसी में भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली स्विच कर सकते हो। अब ये कौन गेमर्स है जो 4 गेम एक साथ खेलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट आप चाहे 2 गेम्स रखो मेमोरी में या 4, ये ईदर वे एक बहुत स्मूथ एंड यूजफुल फीचर है। नंबर 3, बैकवर्ड्स कॉम्पैटिबिलिटी। एक्सबॉक्स जैसी बैकवर्ड्स कॉम्पैटिबिलिटी और किसी कॉन्सोल में नहीं है। आप अपने सीरीज एस में खेल सकते हो वो सब पुरानी गेम जो लॉन्च हुई थी Xbox One, Xbox 360 एंड इवन द ओरिजिनल Xbox, एंड इतनी एक्सट्रीम बैकवर्ड्स कॉम्पैटिबिलिटी सिर्फ Xbox ही प्रोवाइड करता है। नंबर 4, नेक्स्ट जेन लोडिंग टाइम्स। देखो, हर गेमर को लोडिंग टाइम्स ना पसंद होते हैं एंड अनलाइक अदर थिंग्स, लोडिंग टाइम्स जितने छोटे हो उतना बेटर एंड सीरीज एस में आपको एग्जैक्टली यही देखने को मिलेगा क्योंकि सीरीज एस में है एक सुपर फास्ट SSD जिसमें आपको PS5 एंड Xbox सीरीज एस के बराबर के लोडिंग टाइम्स देखने को मिलेंगे। नंबर 5, गेम पास अल्टीमेट। अब गेम पास इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल गेमिंग सब्सक्रिप्शन, इट इज़ अ गेमिंग सब्सक्रिप्शन ऑन स्टेरॉइड्स। आपको यकीन नहीं होता तो एक बार गेम पास अल्टीमेट में एडेड गेम की लिस्ट देखो। इसमें Xbox की सारी फर्स्ट पार्टी टाइटल्स एंड बहुत सारे AAA थर्ड पार्टी टाइटल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 2 Remake, Doom Eternal, Dirt 5 etc. एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आप अगर एक Xbox सीरीज एस ले लो एंड उसके साथ लो गेम पास अल्टीमेट फ्रॉम द गेम कीज डॉट इन, तो आप बिना कोई गेम बाय करे भी Xbox सीरीज एस को सालों तक खेल सकते हो क्योंकि इसमें हर मंथ न्यू गेम्स भी ऐड होती हैं एंड ईच मंथ एटलीस्ट 2 AAA टाइटल्स तो आते ही हैं गेम पास पे। नंबर 6, प्राइस। अब मैंने Xbox सीरीज एस पे पहले भी वीडियोस बनाई हैं एंड उनमें मैंने बोला था कि मुझे इसका MRP जो 35,000 रुपीज़ है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन अब मेरा वो इशू भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब सीरीज एस को मैंने सेल पे 26,000 तक का भी सेल होते हुए देखा है ऑन Amazon एंड Flipkart एंड प्रियोन में ये मैंने देखा है 18,000 टू 21,000 में, विच इज़ एन एक्सेलेंट प्राइस ऑनेस्टली। इस प्राइस पे और कोई होम कॉन्सोल या कोई PC आ ही नहीं सकता है जो इतनी वैल्यू एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दे। ये तो थी अच्छी बात है, बट अब थोड़े अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, स्टोरेज।
सो सीरीज एस में है 360 GB की यूजेबल स्टोरेज एंड ये नेक्स्ट जेन कॉन्सोल्स में सबसे ज्यादा कम है। एंड आप इसमें कोई रैंडम SSD भी अटैच नहीं कर सकते हो एंड जो SSD ये सपोर्ट करता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सीरीज S का एक ज़्यादा स्टोरेज वाला वेरिएंट भी है बट वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, सो वो भी एग्जैक्टली एक सोल्यूशन नहीं है इफ़ यू आर अ बजट गेमर। Xbox सीरीज S की स्टोरेज आपके लिए इशू है या नहीं है वो डिपेंड करेगा कि आपको एक बार में कितनी गेम्स एंड कौन सी गेम स्टोरेज में रखनी है। नंबर 2, परफॉर्मेंस। Xbox सीरीज S नेक्स्ट जेन कॉन्सोल में सबसे ज्यादा वीक हार्डवेयर के साथ आता है एंड इसमें मेजॉरिटी गेम्स PS5 एंड Xbox सीरीज S से कम FPS एंड कम रेजोल्यूशन पे रन करती हैं। सो आप इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस तो एक्सपेक्ट कर सकते हो बट बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं। अगर आप इस कॉन्सोल से नेटिवली 1080p एट 60 FPS एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप काफ़ी स्मार्ट हो एंड ये कॉन्सोल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये PS5 के आधे प्राइस में भी आए एंड सेम परफॉर्मेंस एज अ PS5 भी दे, देन इन दैट केस आप काफ़ी डिसअपॉइंट होने वाले हो। ऑल्सो सीरीज S में कभी कभी 60 FPS वाला मोड डेवलपर्स गेम के लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद करते हैं, जैसा Assassin's Creed Valhalla के केस में भी हुआ था, एंड कभी कभी 60 FPS मोड ऐड ही नहीं करते हैं। नंबर 3, ओनली डिजिटल कॉन्सोल। ये एक ओनली डिजिटल कॉन्सोल है, सो आप प्री ओन्ड CDs बाय करके भी पैसे नहीं बचा सकते हो एंड ऑल्सो गेम्स भी रीसेल नहीं कर सकते हो, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ बजट गेमर। सो इस बात को ध्यान में डेफिनेटली रखना कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन स्टोर से ही गेम्स बाय करनी होगी एंड आप उनको रीसेल नहीं कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे, क्या इसमें GTA 6 चलेगी? GTA 6 लॉन्च तो फॉर श्योर हो रही है ऑन सीरीज S एंड ये रॉकस्टार ने खुद अनाउंस किया है। सो दिस इज द चीपेस्ट वे टू प्ले GTA 6 बट क्या वो 60 FPS पे चलेगी या 30 FPS पे ऑन द सीरीज S, ये हमें कंफर्म होगा इन 2025। रॉकस्टार GTA 6 को लेके काफ़ी सीरियस है एंड वो अपनी गेम्स को ऑप्टिमाइज करने में भी काफ़ी टाइम एंड एफर्ट डालती है। सो वो सीरीज S के GTA 6 वर्जन को भी जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज करेंगे। सो आई थिंक अगर वो 30 FPS लॉक्ड ऑन सीरीज S कर पाए देन दैट विल बी रियली ऑसम एंड मैंने पर्सनली RDR2 ऑन सीरीज S एट 30 FPS ही खेली है एंड मुझे बहुत मजा आया था उस गेम में। अगर कोई गेम सॉलिड हो तो 30 FPS पे भी खेलने में कोई इशू नहीं होता है, ट्रस्ट मी गाइज, आई नो, क्योंकि मैं Nintendo Switch पे भी गेमिंग करता हूँ एंड वहाँ पे तो 90% गेम्स ही 30 FPS पे चलती है। तो क्या आपको Xbox सीरीज S इंडिया में बाय करना चाहिए? If you are a budget gamer with less money to spend on games each month and आपकी expectation ही 1080p 60 FPS की है, well in that case एक Xbox Series S ले लो and एक Game Pass Ultimate subscription ले लो and you are going to be super happy with it. So that is it for today's video guys. मुझे आप बताओ अपने thoughts about Series S in the comment section and अगर आप already own करते हो एक Series S तो अपना experience share करो with the Series S ताकि बाकी लोगों को भी help हो जाए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। TheGameKeys.in को गेम पास अल्टीमेट के लिए चेकआउट कर लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।